अस्सलाम वालेकुम, मुहासब न्यूज के साथ मैं हूँ अफशा मारूफ। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। वजीर आजम आजाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात की, गोल्डन जुबली पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। अल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर व साबिक वजीर आजम सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि कारकुनान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सियासत में मुजाहिद अव्वल के अफकार, इसार, इखलास, इस्तकामत का मुजाहिरा करें। असिस्टेंट कमिश्नर हटिया बाला सरदार वलीद अनवर ने रमजानुल मुबारक के हवाले से अंजुमन ताजरान जिला जेलम वैली के सदर सैयद फैसल गिलानी और इनकी टीम से मुलाकात की। हल्की बारिश और खूबसूरत मौसम को अहले आने मुजफ्फराबाद ने अपने अपने अंदाज से इंजॉय किया। बच्चों ने पतंगबाजी की तो मर्द व ख़वातीन ने मौसम से महसूस होकर और किसी ने हसीन मौसम को अपनी जॉब से भी मुंसलिक किया। इसीलिए ही कहते हैं कश्मीर जन्नत बेनज़ीर है। आरफा महमूद की इस रिपोर्ट में। मीरपुर में जश्न बहारा फेस्टिवल का इनेकाद। चार रोज़ा फेस्टिवल में खेलों के मुकाबले, हॉर्स एंड केटल शो, कबड्डी, चारों सूबों की सकाफत को उजागर करने और फूड स्टॉल समेत दीगर तफरी मवाके शामिल। मजीद तफसीला जहूर रशीद चौधरी, मुहासिब न्यूज़ मीरपुर की रिपोर्ट में। जहलम वैली सीज फायर लाइन खलियाना वैली के मसाइल के हल के लिए अपोजिशन जमातों ने एका कर लिया। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की दो साल मायूस कुन कारगर्दगी के खिलाफ अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज बन गईं।